हेलो सबको, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज सोचा मैं स्टार्टिंग में ही आपको विराज का व्यू दिखा दूँ, क्योंकि कई कंप्लेंट्स आ रही थी कि आप विराज को दिखाते नहीं हो, सब फोकस अपने पर डालते हो। तो मुझे लगा आज मैं स्टार्टिंग इससे करता हूँ। और ये आराम फरमाया जा रहा है, और सर आराम ही फरमाया जाता है जनरली। तो चलो, देर ना करते हुए आज की बातें हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मम्मी भी रूम में आए हुए हैं, और हम सब कुछ हंसी मजाक भी चल रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम में लॉकडाउन है जैसा, उसमें हंसी मजाक नहीं करेंगे तो दे वुड बी अ मच डिप्रेशन। तो उससे बचने के लिए नहीं, इन बिल्ड ही है हंसी मजाक करना, मेरी तो आदत है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है विराज के बारे में, एज ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड, तो मिल्क के बारे में कितना मिल्क देना चाहिए, क्या मिल्क इंक्रीज करना चाहिए, या कुछ मेडिसिन वगैरह हैं जैसे स्टमक एक हो रहा है तो कॉलीगेट कितनी बार देनी है, या क्राइब वाटर है, तो ये सब है। घर में कोई बड़ा हो तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और इसीलिए मम्मी का आना तो बहुत ही हेल्पफुल है, और काफ़ी मज़े करते हैं। तो मुझे मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि चाय बनाने को, और जैसे कि आप सब जानते हैं चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, अच्छी मतलब मेरे को चाय बनाने पता नहीं शौक क्यों हुआ, शायद मोदी की तरह मैं भी चाय वाला था पिछले जन्म में, बट हाँ अच्छी बन जा ठीक ठाक बन जाती है और डिमांड है। तो मम्मी जब कहते हैं चाय बनाने को तो मैं कभी बोलता नहीं मैं बनाता हूँ, और मेरी वाइफ को भी मेरी चाय काफ़ी पसंद है, तो इसके लिए हर काम चल जाता है। तो जैसे कि आज मैं कह रहा था, आज कुछ इम्पोर्टेंट भी है और वो आपको कुछ टाइम पता चलेगा। पहले हम चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। और थोड़ा थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि वो उठ गया है, और उठ गया भाई, हाँ उठ गया, क्या सो रहा है? अभी तो दूर हो जाना ही अच्छा है। हम अपनी चाय देखते हैं, चाय कहाँ पहुँची, पाठ करने के लिए आ रहे हो? ओके ओके, चाय भी बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमारी बनती है चाय अभी, और चाय के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि आज एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। जो विराज है, विराज को आज फर्स्ट टाइम हम एक बॉटल देंगे, और बॉटल में देखते हैं वो कैसा रिएक्ट करता है, और अगर बॉटल उसने दूध पीना शुरू कर दिया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि उसका पेट भरा है कि नहीं भरा, और बॉटल तो स्टार्ट करवानी है। तो आज का दिन हमने फिक्स किया है बॉटल से दूध देने के लिए, और मम्मी आ गई पूजा करने के लिए। ओह, मम्मी का स्टाइल देखो, कहाँ कहाँ से अगरबत्ती चला रही हैं, ऐसे चलाते हैं, अगरबत्ती जल गई और मम्मी जा रहे हैं। तुम्हारी चाय बन गई है, अब हम विराज को देखने चलते हैं। विराज, ये मंदिर है, विराज कहीं चलते हैं। विराज अभी सोया पड़ा था, और यहाँ पे नहीं है विराज, कहाँ है? अगले कमरे में होगा विराज, देखते हैं। वो भी उसको भी वो बोर हो जाता है, तो एक जगह बैठे बैठे तो एक जगह, अरे वो बैठा है गोदी में, अभी थोड़ा नींद में लग रहा है मेरे को। वो सोया हुआ है कि उठा हुआ है? अरे सोया हुआ है, तो छोड़ो उसको आराम करने दो। और चलो, अब चाय बन गई तो हम चाय लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ मुझे बहुत मेरे रिलेटिव्स वगैरह के भी जब वीडियो देखी तो मैसेज काफ़ी आ रहे थे कि उनकी विराज की अपडेट देनी है, हेल्थ अपडेट। तो हाँ, ऐसी चिंता वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, नोज़ भी उसका ब्लॉक हुआ, वो ठीक हो जाता है, और धीरे धीरे आज कंपेरेटिवली एज़ कम्पेयर टू कल वो थोड़ा ठीक रहा था, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं की, थोड़ी थोड़ी तो हर बच्चा करता है जो इंडाइजेशन होता है, और आज कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक रहा, और फिंगर्स क्रॉस वो ठीक रहे। बाकी तो देखते हैं, अभी शाम तो बची है, बच्चों का खतरनाक काम जो शाम को ही होता है। और हाँ, कल रात को मैंने पॉटी साफ़ की, एक पॉइंट था बहुत ही वैलिड और उठाने वाला पॉइंट। तो बाकी हाँ, आपको सब कुछ पहले तो लगता था कैसे हो पाएगा, बट धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आता रहता है, और लॉकडाउन की वजह से आपकी एक्स्ट्रा टैलेंट बाहर निकलते हैं, टैलेंट नहीं भी हो एक्स्ट्रा शौक बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा शौक ये जो है रिकॉर्ड करना, तो या इट्स अ गुड थिंग टू। तो फाइनली विराज ने बॉटल एक्सेप्ट कर ली है, और ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी है, क्योंकि एक स्टेप वो आगे बढ़ के लाइफ उसकी स्टार्ट हो चुकी है, अब कैसे बढ़ता जाएगा और एक दिन
मैं मतलब मेरा सहारा बनेगा। चलो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी, आज की। बने रहिए साथ, आपको बताते रहेंगे। बाय।